ಈ ಸಾಮಾನು ಇದೆ ಆಗ್ತೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ नंबर वन जो नियॉन है ये नियॉन स्पेशली हमारे पास में स्टॉक में मिलेगा। अगर किसी को चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये है कि दोनों साइड आप कैसे पीसीबी में सॉल्डरिंग करते हैं। तो नंबर वन जो है पीसीबी, इसका जो ट्रैक लाइन जो होती है दोनों साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर वन जो नियॉन ट्यूब है, सिलिकॉन, सिंथेटिक सिलिकॉन विथ सिंथेटिक सिलिकॉन में बना हुआ है। ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, सारा का सारा तीनों का तीनों रेड ही है। लेकिन जो नंबर वन जो है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि हैवी क्वालिटी और अच्छा ब्राइटनेस इससे मिलता है। और रहे दूसरे नंबर वाली नियॉन की बात, तो दूसरा नंबर जो है, एक नंबर में जो क्वालिटी यूज़ की गई है सेम क्वालिटी दूसरे नंबर वाले नियॉन में भी आपको मिल जाएगी, सेम एग्जैक्ट जो है। आपको सिर्फ प्राइसिंग का कॉस्ट का जो है कॉस्ट कटिंग होगी, क्वालिटी सेम रहेगी। मटेरियल जो है, मटेरियल इसमें सिलिकॉन नहीं रहेगा, सिलिकॉन और पीवीसी दोनों मिक्स रहेगा, सिंथेटिक सिलिकॉन पक्का नहीं मिलेगा आपको। तो ये रह गया दो नंबर वाला नियॉन स्ट्रिप। तो और नंबर थ्री नियॉन जो है, नंबर थ्री भी सेम एग्जैक्ट सिलिकॉन, सिंथेटिक सिलिकॉन नहीं रहेगा, आपको पूरा का पूरा पीवीसी में मिलेगा, प्लास्टिक में मिलेगा। इसका जो क्वालिटी है एकदम लो क्वालिटी और लो बजट आपको इसकी कॉस्टिंग मिलेगी। जैसे कि मान के चलिए आपके लोकल जो एरियाज हैं, लोकल सिटी है, सिटी में आपको लगभग इसका मीटर 55-60 रुपीज़, 350 रुपीज़ 5 मीटर का रोल मिल जाएगा, ठीक है। इस वाली बात, इसकी जो प्राइसिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो है, इसमें सॉल्डरिंग करने के लिए आपको माइनस प्लस जो मार्क दिया हुआ है यहाँ पे कुछ ट्रैक नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर माइनस प्लस सिर्फ उन्होंने मार्किंग की है। तो ये जो लोकल वाला जो क्वालिटी में आता है इसमें आगे ही सॉल्डरिंग करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये जो ऑप्शन जो आगे करने वाला मिला है, तो इसमें सिर्फ आप एक बार या दो बार इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो जैसे ही आपका जो ट्रैक है वो निकल के बाहर आ जाएगा वायर के साथ में। तो आप जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग या कोई डिज़ाइन करके, वायरिंग करके आप इसको लगाएंगे, सॉल्डरिंग करके, जैसे ही आप कोई भी एक्रेलिक में इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल होता है तो वहाँ पे सॉल्डरिंग इसका निकल जाता है। तो इसमें बहुत इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। हम तो कभी भी लाइफ में इसको यूज़ ही नहीं किए, ठीक है। रही दूसरे नंबर वाली बात, दूसरा नंबर जो है, पहला नंबर जो है, दोनों एक ही प्रोडक्ट है, दोनों एक ही है। थोड़ा इसका जो पीसीबी है, इसका पीसीबी जो प्रोडक्ट है थोड़ा हल्का रहेगा, क्वालिटी तो सेम ही रहेगी, थोड़ा हल्का रहेगा। इसमें आपको पीछे पीसीबी का सॉल्डरिंग मिल जाएगा और नंबर वन में भी आपको पीसीबी का सॉल्डरिंग करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जो यहाँ पे आपको ट्रैक नज़र आ रहा है इसमें आप सिलिकॉन अपना फ्लक्स लगवा के सॉल्डरिंग करके आप वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका कुछ डैमेज हो गया या यहाँ से कुछ डैमेज हो गया तो आप आगे से भी सॉल्डरिंग करके वायर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आगे से डैमेज हो रहा है तो पीछे से यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप वाला जो नियॉन आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, क्या क्वालिटी है। तो ये दोनों अपने पास में अभी अवेलेबल है स्टॉक में, हर कलर आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे जैसे व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप में आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। और रही दूसरी बात जो है वायर का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स इसमें आता है कि कौन सा वायर आप यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे साइज़ देख रहे हैं, आप साइज़ है और लेंथ है,
और इसका गेज का साइज जो है वायर का जो कॉपर जो यूज़ हुआ है इसमें 36 गेज में यूज़ हुआ है, तो एक 36 गेज का कॉपर रहेगा, 7 स्टैंड वायर रहेगा। स्टैंड्स का मतलब ये होता है कि आपको इसमें 7, जैसे ही आप स्ट्रिप करेंगे तो स्ट्रिप करने के बाद में आपको 7 लीड मिलेंगी, जैसे कि एक लीड हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तीसरी चौथी, आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें 7 लीड्स आपको मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं 7 स्टैंड। तो ये वायर हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आप देख लीजिए 36, 7 स्टैंड बाई 36, इसका गेज है 36 और 7 स्टैंड इसमें जाते हैं। 7 स्टैंड का मतलब होता है ये, इकड़े सेवन स्टैंड हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इसमें कटिंग करते हैं, कटिंग करके जैसे कि नियॉन में लगवा लेते हैं, जैसे कि 1 इंच या 2 इंच का आप छोटा सा वायर कट कर लीजिए, तो इसको दोनों को स्ट्रिप करने के बाद में जो है आप पीछे नियॉन में इसको स्ट्रिप करके जो कलर जहां आप लगाएंगे उसको कंटिन्यू उसी को ऐसे ही यूज़ करते हुए जाना पड़ेगा, लास्ट तक शुरुआत जो रहेगी वहां से आपको यूज़ करना पड़ेगा, शुरुआत से जैसे यूज़ करेंगे लास्ट तक वही यूज़ होगा, ठीक है। और रही दूसरी बात जो है, वायर सोल्डरिंग करने से पहले जो होता है क्विक सोल्डरिंग पेस्ट होता है, ठीक है, सोल्डरिंग पेस्ट फ्लेक्स जो है इसको यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आप जो वो कांडी में जो लगा रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट है, तो सिलिका फ्लेक्स है, सोल्डरिंग फ्लेक्स, सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग फ्लेक्स, आप जो जो अपनी ज़बान में जो जैसे बोलते हैं वो आपके हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फ्लक्स लेंगे यहाँ पे लगा देंगे, स्टॉप मारो, जो वाइट वायर होता है कभी भी मैं जो यूज़ करता हूँ वो जो है प्लस में यूज़ करता हूँ, जो प्लस जो होता है ऊपर वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस जो जहाँ से आपको निकलेगा, देखिए यहाँ से ऊपर प्लस में मार्क किया गया है, तो इसको ऐसे हम लोग घुमाएंगे, घुमा के वाइट वायर जो है प्लस में यूज़ करेंगे, प्लस में यूज़ करेंगे, पीछे से मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आगे से भी आप कर सकते हैं पीछे से भी कर सकते हैं, स्पेशली मेरे पास में आपको ये स्टॉक रेडी मिल जाएगा, जितना क्वांटिटी चाहिए जो कलर में चाहिए वो कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप जो मार्केट में जो लोकल क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं वो जो रहेगा आपको लगवाने में दिक्कत रहेगी और सोल्डरिंग में भी दिक्कत रहेगी, बहुत सारी परेशानी होती है उसमें, तो ये सही है, आपका जो भी आप प्रोग्राम जो भी आप डिज़ाइन करेंगे वो उस हिसाब से आप इसमें लगवा सकते हैं। देखिए अभी मेरा सोल्डरिंग हो गया है, सोल्डरिंग को जैसे ही मैंने किया है तो अभी इसमें माइनस प्लस जो है वाइट वाला जो है वो प्लस रहेगा, जो ग्रे वाला ये जो कलर है तो इसमें माइनस रहेगा, बहुत सारे मेरा जो भी लग रहा है ग्रे और वाइट ही, मैं दोनों साइड से आपको सोल्डरिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा और पीछे वाली साइड से भी आपको मिल जाएगा। जो लोकल वाला क्वालिटी होता है नंबर 3 वाला जो है वो एकदम लोकल है, दोनों साइड से आपको सोल्डरिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा और पीछे वाली साइड से भी आपको मिल जाएगा। जो लोकल वाला क्वालिटी होता है नंबर 3 वाला जो है वो एकदम लोकल है, जैसे ही आप सोल्डरिंग करेंगे यहाँ से ट्रैक निकल जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी। तो रही दूसरी बात, और ये वायर का हो गया है, वायर के बाद में आपका जो हो गया सोल्डरिंग गन, तो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, देखिए हम लोग जो है कंपनी सोलरन का यूज़ कर रहे हैं, इसमें 25 वॉट का एक लिखा हुआ है, जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारा मास प्रोडक्शन चलता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह में, तो इसके लिए हमें जो है 35 वॉट का हमको यूज़ करना है, 35 वॉट जो है ये मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, 35 वॉट, आप 25 वॉट ले सकते हैं। और दूसरा जो है
743 बॉन्ड जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 743 आपको कहीं से भी मिल जाएगा लोकल से, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना कोई क्वेरी डाल दीजिए, आपको इसका भी मैं प्रोडक्ट कुरियर करवा दूँगा। जैसे कि मान के चलिए आप आज ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके डोर पे डिलीवर हो जाएगा। आखिर में जो है एलईडी लगवाने के लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्रेलिक होता है। एक्रेलिक में पहले कोरल ड्रॉ से डिज़ाइन करते हैं, कहीं से भी आप फोटोशॉप से या कोई भी हो आप हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो एक्रेलिक है 5 mm है, क्लियर एक्रेलिक है, तो आप इसमें आप देख सकते हैं सोल्डरिंग आयरन है, वायर वाइट, और इसी में जो है लास्ट में जो हम फाइनल जो करते हैं उसमें 7 stand 36 gauge जो है इसको हम लोग 7 को 14 stand में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को सेम आप 7 जो है उसको 14 में आप लेकर अपना काम कर सकते हैं। पीछे की जो वायरिंग रहेगी उसके लिए 14 stand आप ले लीजिए, 14 stand लेने के बाद में आप अपनी वायरिंग कर लीजिए। और छोटा सा 2 mm का वाइट सिलिकॉन रहेगा, स्ल्यू रहेगा, स्ल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में जो आखिर में जो टच रहेगा, फाइनल जो टच रहेगा सोल्डरिंग वगैरह होने के बाद में, सारा बोर्ड ऑन होने के बाद में आप सिलिकॉन लगा सकते हैं। सिलिकॉन जो है आपको ये 10 से 12 रुपए में ये कैंडल मिल जाएगा, कई कई शहरों में 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया। इसका आयरन जो है मान के चलिए आपको 200 रुपीज़ 350 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है।